नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह, आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। बॉर्डर पर सख्ती कर सकती है सरकार, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। जयराम बोले, कांग्रेस के सिर चढ़ गया कोरोना। लेक्चरर प्रमोशन से रोक हटी, प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। गर्मी से मैदानी क्षेत्र बेहाल, 19 से राहत के आसार। किसानों का कर्ज माफ करे सरकार, सुंदरनगर में माकपा ने बुलंद की आवाज, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। हिमकेयर योजना में 30 जून तक करवाएं पंजीकरण, नवीनीकरण से छूट गए लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत। बल्ह आने वाले आड़ती नहीं होंगे संस्थागत क्वारंटीन, किसानों को टमाटर के बेहतर दाम मिलने की बंधी आस। नगरोटा बगुआ के रोंखर में शराब का जखीरा जब्त, ट्रक में लोड थी देशी शराब की 800 पेटियां। आटे में छिपकली मिलने के बाद फूड इंस्पेक्टर ने भरा सैंपल, ऊना के संतोषगढ़ का है मामला। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने सरकार का ध्यान भी खींचा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वायरस का संक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा तो बॉर्डर पर सख्ती को लेकर सरकार सोच रही है। हालांकि प्रदेश सरकार पूरी नजर रखे हुए है। रैली तो हमारा एक लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करने का, लोगों के साथ संवाद करने का एक माध्यम है और फीडबैक के रूप में अच्छा फीडबैक आ रहा है। सब लोग इस बात को लेकर के संतुष्ट है कि सरकार ने अच्छे स्टेप्स लिए, जो ऐसे हालात में लिए जा सकते थे वो लिए हैं, जो किया जा सकता था वो किया है, अपना अच्छा करने की कोशिश की है। और लेकिन फिलहाल मामले आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश मामले वही आ रहे हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, लोग उनके ही आ रहे हैं। पिछले कल थोड़ा स्पाइक हुआ है एक मामले में, उसमें हमें सारी डिटेल्स मांगी, आज हम उसको वर्कआउट करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में थोड़ी और ज़्यादा कुछ हमको सख्ती जो आने जाने में करनी होगी उस दृष्टि से कुछ चीज़ों को लेकर के विचार करेंगे। सर घर घर जाके नहीं, चलो मुझे लगता कि वो उस तरह की जरूरत नहीं, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो हमारे लोग बाहर से आए हैं जिनको हमने होम क्वारंटीन किया है उनके बारे में थोड़ा सा इतना जरूर कहेंगे कि वो होम क्वारंटीन को वो लागू ठीक प्रकार से अपने पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां उनके टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां जरूर सोचेंगे इस बात को लेकर के, और वो कर भी रहे, जो सिम्टोमेटिक थोड़ा सा ऐसा कहीं लगेगा तो उनका टेस्ट कर लिए, तुरंत कहा हुआ हमने। सीएम जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि अभी घर घर जाकर टेस्टिंग जैसी स्थिति हिमाचल में नहीं है, फिर भी सरकार हर प्रकार के एहतियातन कदम उठा रही है। कि हिमाचल प्रदेश में मामले पिछले दिनों में बढ़े हैं और पूरे देश में बढ़े हैं, सभी प्रदेशों में बढ़े हैं, ऐसी सूरत में हिमाचल अभी भी बाकी राज्यों की तुलना में अभी बेहतर है, लेकिन जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। विपक्ष पर पलटवार करते हुए जयराम ने कहा कि कोरोना वायरस कांग्रेस के सिर चढ़ गया, विपक्ष चुनी हुई सरकार के रास्ते का अड़ंगा नहीं बन सकता। ऐसा है कि अब मुझे लगता कि कांग्रेस को ना ये वायरस जो है वो उनके सिर पे चढ़ गया है, जिस प्रकार से कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते चुनी हुई सरकार को कहाँ कहाँ रोकते रहोगे, ये भी ना करें वो भी ना करें, लोगों को लाएं तो कहते हैं कि कोरोना आ रहा है उनके साथ, जब नहीं लाएं तो बोलते लोगों को ला नहीं रहे, स्पष्ट ही नहीं है उनको किसी बात को लेकर के, इसलिए उनको मुझे लगता कि बहुत अलग तरह की परिस्थिति कांग्रेस की। प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रवक्ताओं से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह दो पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों को भर ले।
मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए हैं। कोर्ट के इन आदेशों से समस्त प्रदेश के प्रवक्ताओं ने राहत की सांस ली है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार कर गया। 41 डिग्री सेल्सियस के साथ ऊना प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन ऐसा ही हाल रहने वाला है। वहीं 19 जून से समूचे हिमाचल में बारिश की संभावना है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को सरकाघाट में प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसका नेतृत्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह और मुनीश शर्मा ने किया। इस दौरान सरकाघाट और धर्मपुर क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने ओल्ड बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कहा कि मौजूदा महामारी के महासंकट के दौर में लोगों की आजीविका के सारे साधन छिन गए हैं और देश में 15 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। भूखे प्रवासी मजदूर मजबूरी में अपने गांवों की ओर पैदल यात्रा कर रहे हैं और कई जान भी गंवा चुके हैं। इससे हमारे देश का असली चेहरा भी सामने आया है, जिसमें मार्मिक सत्य सामने आया है कि आज भी हमारे देश में जनता का बहुत बड़ा हिस्सा भूख की मार झेल रहा है, लेकिन इस विकट स्थिति में भारत सरकार लोगों को उचित राहत नहीं दे पाई है और ऐसे निर्णय ले रही है जो जनता के हक में नहीं है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर पार्टी ने राष्ट्रपति से मांग की है कि केंद्र सरकार आयकर सीमा के नीचे आने वाले सभी परिवारों को 6 महीने तक 7,500 रुपए नगद सहायता प्रदान करे। इसके अलावा 6 माह के लिए प्रति व्यक्ति हर माह 10 किलो राशन के साथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने की मुहिम पर रोक लगाई जाए और राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट रोकी जाए। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव वापस लिए जाएं। किसानों को केसीसी पर दिए 3 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के देशव्यापी आह्वान के तहत आज यहां सरकाघाट मुख्यालय के अंदर जो मार्क्सवादी की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो एसडीएम सरकाघाट है उनके माध्यम से जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के उनको ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसमें ये मांग की जा रही है कि पिछले 3 महीनों से जब से इस देश के अंदर जो कोरोना महामारी का जो महासंकट जनता के सामने आया है, उस महासंकट के चलते जो देश की सरकार है उसको निपटने में एक तरह से नाकामयाब रही है, उसमें बहुत सी कमियाँ और खामियाँ हैं। अगर आप लॉकडाउन के चलते हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं या नवीनीकरण से चूक गए हैं तो घबराएं नहीं। हिमाचल सरकार ने हिमकेयर योजना में पंजीकरण करवाने की तिथि बढ़ा दी है। सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि को 15 जून से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। इससे पूर्व कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार कार्ड बनवाने और नवीनीकरण की अंतिम तिथि 15 जून तक बढ़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण बहुत से कार्ड धारक नवीनीकरण नहीं करवा पाए हैं, जिसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। सीएमओ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हिमकेयर योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज की सुविधा का प्रावधान है। इस योजना के तहत जिला ऊना में अब तक में 18 अस्पताल योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जिनमें से 7 निजी अस्पताल हैं। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले आढ़तियों को अब संस्थागत क्वारंटीन नहीं होना होगा, बशर्ते वे उच्च रेड जोन क्षेत्र से न आए हों, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी होगी। सरकार द्वारा छूट देने से अब टमाटर के व्यापारी बल की ओर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिससे किसानों को टमाटर के उचित दाम मिलने की आस बंधी है। गौर हो कि टमाटर का जो क्रेट पहले 100 रुपए के करीब बिक रहा था, वह अब 200 से 250 रुपए में बिक रहा है, जबकि एपीएमसी भी पूरी तरह से किसानों को सही दाम दिलवाने के लिए बाहर से ज़्यादा टमाटर के खरीदारों को लाने के लिए इंतज़ाम कर रहा है। एपीएमसी मंडी के सचिव भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि ये अहम निर्णय है, लेकिन सभी को कोविड से सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारी बल में भी पहुंच रहे हैं।
नगरोटा बगमा पुलिस ने सोमवार रात को रोंखर में शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक में पकड़ी गई पेटियों की संख्या लगभग 800 बताई जा रही है। डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा ने बताया कि ट्रक ड्राइवर से एक आधा अधूरा परमिट मिला है, जिसकी छानबीन जारी है। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करने के बाद बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर शशिपाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो कि इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। जिला ऊना के संतोषगढ़ में डिपो से लिए गए राशन में छिपकली और कीड़े पाए जाने के बाद विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में मंगलवार को फूड इंस्पेक्टर फिर से उपभोक्ता के घर पहुंचे और आटे का सैंपल लिया। इससे पहले सोमवार को फूड इंस्पेक्टर और डीएफसी विजय हमलाल ने संतोषगढ़ में पहुंचकर सरकारी डिपो होल्डर और उपभोक्ता मूलराज से जानकारी प्राप्त की थी और मूलराज को आश्वासन दिया था कि इसकी गहराई से जांच होगी। गौर हो कि एक उपभोक्ता ने सरकारी डिपो से आटा लिया था, जिसमें छिपकली और कीड़े पाए गए थे। इस मामले को हिमाचल दस्तक वेब टीवी ने प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद विभाग ने हरकत में आते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे अच्छे परिणाम कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर क्षेत्र में। कंपटीशन के इस दौर में नंबर वन रहना है तो आज ही एडमिशन लें हिमाचल के बेहतरीन कोचिंग सेंटर जेनेसिस कोचिंग सेंटर नगरोटा बगवा में। क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन शुरू, तो देर किस बात की। उठाएं फोन और स्क्रीन पर दिए नंबरों पर करें कॉल और आज ही बुक करें अपनी सीट। जेनेसिस कोचिंग सेंटर नगरोटा बगवा। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।